आइए जानते हैं हम हर साल दशहरा क्यों मनाते हैं। राजा दशरथ और उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीन रानियों के चार पुत्र भी थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। तभी भगवान राम का विवाह सीता के साथ कराया गया। तभी राजा दशरथ ने सोच लिया कि राज्य के गद्दी पे यानी भगवान राम को राजा घोषित किया जाए। ये फैसले से रानी कैकेयी खुश न थी। उन्होंने राजा दशरथ को राम के लिए वनवास मांग लिया और राजा दशरथ मजबूर थे, उन्होंने राम को वनवास जाने की आज्ञा दी। राम के साथ माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ वनवास की ओर चल पड़े। एक दिन माता सीता, राम, लक्ष्मण अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। तभी माता ने एक सुंदर हिरण देख लिया। वह हिरण बहुत ही सुंदर था। तो माता सीता ने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वो हिरण ला दोगे। भगवान राम हिरण को लेने चल पड़े और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम माता का ध्यान रखना। बहुत समय बाद भगवान राम की चीखने की आवाज़ आई और माता सीता और लक्ष्मण चिंतित हो गए और माता ने लक्ष्मण को भगवान राम को ढूंढने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी उन्होंने माता के रक्षण के लिए लक्ष्मण रेशा खींच दी और माता से कहा कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, आप इस रेखा के बाहर न जाइए, रेखा को पार न करिए। तभी वहाँ पे दुष्ट रावण आया और वह माता को लेकर चला गया, सीता का हरण कर लिया। तभी जटायु नामक पक्षी को ये दृश्य दिखा और उसने माता सीता को बचाने का प्रयास किया, मगर दुष्ट रावण ने उसे जख्मी कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण कुटिया पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ माता सीता नहीं है और वे दोनों माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। तभी भगवान राम को जटायु जख्मी हालत में मिला और उन्हें भगवान राम को बताया कि दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर ले गया है। अब भगवान राम के सामने प्रश्न था कि वह माता सीता को कैसे ढूंढे। तभी भगवान राम हनुमान जी से मिले और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं देख के आता हूँ कि उस दुष्ट रावण ने माता सीता को कहाँ छिपाया है, और वह माता को ढूंढने निकल पड़े। फिर भगवान हनुमान भगवान राम के पास पहुंचकर उन्हें बताया कि माता सीता को रावण ने लंका में रखा है और भगवान राम और लक्ष्मण माता को बचाने पहुंच गए। भगवान राम और रावण में बहुत घना युद्ध हुआ और युद्ध के आखिरी में राजा राम ने रावण को मार गिराया। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हुई और उन्होंने माता सीता को रावण की लंका से छुड़ाया। इसी दिन हम दशहरा मनाते हैं। दशहरे को रावण का दहन किया जाता है और अपने अंदर के वाइट विचार जो है उन्हें नष्ट करके हमें असत्य पर सत्य की विजय के लिए हम दशहरा मनाते हैं। तो आपको शांति निकेतन की ओर से दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं।